पॉलिटिक्स पे खुलकर बोलते हैं आपने अपनी सारी राय रखी आपने अपने पूरी जर्नी के बारे में बता दिया लेकिन जर्नी में एक इम्पोर्टेंट जो सवाल है ना वो रह गया आपकी लव स्टोरी के बारे में क्योंकि मुझे लगता है कि जरूर जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो जरूर जान सकते हैं की कि सर की लव स्टोरी कैसी है दो तीन चीजें मैं बड़ी एक तो कमाल की चीज़ें एक तो थोड़ा इन्होंने जैसे स्टैंड अप कॉमेडी का जिक्र किया तो मैं एक तो यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लड़कों को आठवीं क्लास से ही लड़कियों के मूड स्विंग पे एक चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए कि इनके मूड स्विंग होते हैं क्योंकि हम लोग नए नए रिलेशनशिप में जाते हैं अब हमें नहीं पता कि इसके मूड स्विंग है हम समझते हैं कि इसका बिहेवियर ऐसा है और वहीं पे बात बढ़ जाती है लड़ाई हो जाती है और कई बार ब्रेकअप या अलगाव तक बात पहुंच जाती है वहीं जब हम उम्र के साथ बड़े होते हैं आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि इतनी एज हो गई तो पता चल जाता है कि ये इसका मूड स्विंग है ये भी खराब तरीके से बात कर रही है आधा घंटे बाद ठीक तरीके से करेगी मत बोलो लेकिन ये पढ़ाया नहीं जा रहा तो मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि आपके चैनल पे भी इस तरीके का एक वीडियो आना चाहिए कि भाई लड़कियों के मूड सिंह लड़कों को पहले से ही पता हो ताकि वो रिश्ता लंबा चले अब बात आती है रिलेशनशिप की इसमें दूसरी चीज ये होती है कि देखिए प्यार में ना फ्रीडम का होना बहुत जरूरी है और जैसे जैसे आप अपने पार्टनर की फ्रीडम छीनने लगते हो उसका प्रेम आपके प्रति कम होने लगता है फ्रीडम इज मोर कॉस्टली देन लव जैसे ये छत अगर टिकी हुई है तो चार पिलर दूर दूर हैं इनमें प्रेम है लेकिन थोड़ी दूरी जरूर है तो ये टिकी हुई है जिस दिन ये चारों पास आ जाएंगे बिल्डिंग गिर जाएगी आज लड़का लड़की जो रिलेशनशिप में जाते हैं उनको ये लगता है कि एक दूसरे के पैर में पैर बांध के चलेंगे तो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे तो हमें ये सब चीजें जो बच्चे अभी तक रिलेशनशिप में गए नहीं है उनको मैं सलाह देता हूँ कि मत जाओ इससे कैरियर पर बहुत फर्क पड़ता है जो गए नहीं है और जो चले गए तो मैं कहूँगा कि अभी अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इतनी जल्दी निकलने की मत सोचो कि यार आप निकल जाते हैं इससे कैरियर अचानक बढ़ जाएगा नहीं लेकिन कई ऐसे होते हैं तीसरे प्रकार के प्राणी जो चले भी गए और सही भी नहीं चल रहा लेकिन बस इसीलिए हैं कि साल हो गए यार हम छह साल से एक दूसरे के साथ हैं तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए जिंदगी में यू टर्न हमेशा होते हैं थोड़ा और गलत चलना पड़ता है लेकिन जब यू टर्न मिले तो निकल लेना चाहिए तो मतलब आपने यू टर्न लिया है हाँ मैं मैं बता रहा हूं तो मैं बात फिर अभी अपनी बात पर ही आ रहा हूं अभी मैंने इतना बता दिया आपको तो मेरी लाइफ में क्या था कि हम गांव से थे पहले तो तो मेरा ट्वेल्थ तक विदाउट लड़की वाले स्कूल में या क्लासरूम में मैं पढ़ा हूँ मेरी क्लास में कोई लड़की नहीं थी ट्वेल्थ तक अब जिसके में नहीं है तो उसको तो और ज्यादा क्यूरोसिटी है कि क्या है क्या नहीं हम जब पढ़ने के लिए बाहर गए एक साल के लिए वहां हमने बहुत कोशिश की एकदम बाल गाँव वाला बंदा क्या करता है पता कि उसको कहीं टीवी में देख लिया या मोबाइल में देख लिया तो उसको लगता है बाल चुपके रहने चाहिए अच्छा लगता है तो हम सरसों के तेल से बाल भी हमने बहुत चुपकाए उस टाइम ये बैक्स और ये सीरम वीरम के बारे में तो कुछ पता नहीं था लेकिन वहाँ भी कुछ हुआ नहीं कॉलेज में आए तो कॉलेज में क्या कुछ ऐसे इंसिडेंस हो गए कि हम वहाँ दादा बन गए मेरा बयालीस किलो वजन था जब मैं अपने कॉलेज में गया मतलब मैं लाइन में नहीं लग पाता था मेरे पिताजी लगते थे मेरी जगह लाइन में कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं लेकिन वहाँ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए कि हम दादा हो गए पतला डॉन फेमस हो गए तो चार साल वो वाली इमेज रही तो कॉलेज तो में पतला डॉन तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर लड़कियाँ ऐसे लड़कों को वैसी पसंद नहीं करती बात करना वहाँ भी कहानी नहीं बनी फिर जब मुखर्जी नगर आए तो वहाँ पे फिर समबड़ी एंटर इन द लाइफ और जो एक कैरियर बहुत अच्छा वाला चल रहा था वहाँ से फिर उसने वो जो डिग्रेडेशन पकड़ा और नीचे जाने लगा जाने लगा उसी का एक दौर था कि हमने नौकरी ज्वाइन की पिताजी चाहते थे कि थोड़ा दिल्ली से दूर जाएगा तो इसका प्रेम छूटेगा लेकिन वो नहीं छूट पाया फिर भी फिर हमें खुद ही लगने लगा आवाज़ कि यार इन सब चीज़ों से चार पाँच साल हो गए थे कि लाइफ पीछे ही जा रही है पीछे ही जा रही है तो लाइफ में जब हमें ये स्पार्क मिला कि यार सब कुछ जो फ्री पढ़ाने वाली बात थी कि सब कुछ फ्री पढ़ाओ यूट्यूब पे ये उसी का कॉन्सेप्ट था उसी ने कहा कि तुम एजुकेशन में बहुत अच्छा करोगे जॉब मत ज्वाइन करो जॉब छोड़ दो तो जॉब छोड़ के जब हम आए और ये सब किया फिर उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि यार ये बंदा अभी तक कुछ नहीं था वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थी तो अब ये आगे जा रहा है तो उसके दिमाग में ये सब चीजें जब आने लगी तो फिर वो अलगाव की स्थिति पैदा हो गई और हमें लगा कि ठीक है वो अपसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर तो बस अलग हो गए कि ठीक है